ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 15 सितंबर 2020, ट्यूसडे है, सुबह के 8:36 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बाजार में एक न्यूज आ गई। जो S&P है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसने कहा कि GDP ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो -9% तक इंडिया का देखने को मिल सकता है। तो ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है काफ़ी मायने रखता है दुनिया भर में। इसके तो कई सारे रेटिंग एजेंसीज है, जैसे कि गोल्डमैन है, UBS है। तो इनका जब कोई भी न्यूज़ आ जाता है किसी कंपनी के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, तो इन्वेस्टर्स काफ़ी फोकस रहते हैं इसके ऊपर। तो ये जैसी न्यूज़ आ गई तो उसके बाद एक कमजोरी हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिली कल। तो आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 14 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,499 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,423। तो कल जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे, निफ्टी इंडेक्स भी गैप अप ओपन हुआ और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के पास ही ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, और ये जो लेवल बन रहा था ऊपर 11,560 के पास, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, और उसका 61.8% का लेवल 11,561 के पास आ रहा था। इसी लेवल के पास यहाँ पर कल इसने दो बार एक हर्डल फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो जैसे ही वो न्यूज़ एक ऑलमोस्ट करीब 11 बजे के बाद ये न्यूज़ आ गई S&P की, और यहाँ से फिर जो इसने ये जो लो बनाया था, दिन का लो बनाया था, उसको ब्रेक करने के बाद एक ज़बरदस्त तरीके से टूवर्ड साउथ की तरफ आ गया। और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, हमारा फर्स्ट टारगेट 11,407 और सेकेंड टारगेट 11,385 ये यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक करने की कोशिश की, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल भी साबित हुए कल। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए। नासडैक करीब 203 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। जो कोरोना वैक्सीन का टेस्टिंग रोक दिया गया था ये फिर से शुरू हुआ है, ऑक्सफोर्ड का भी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स लास्ट 3 वीक से एक कमजोर पैटर्न में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार देखें तो SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त इस समय दिखा रहा है, और जापानीज इंडेक्स 132 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 47 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है एशियाई बाजारों में। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाला था, पहले यहाँ से इस लो और इस हाई को पकड़ के निकाला था, जिसका 61.8% का लेवल यहाँ पर जो स्विंग लो बना है एग्जैक्ट उसी के पास आ रहा था। कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो। और उसके बाद जब ये अभी यहाँ से हमें ये पिवट बार रिवर्सल का फॉर्मेशन मिला है, तो और ये ऊपर तक कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए ये जो हाई बन रहा था और ये जो स्विंग लो बना है, इसका हाई और लो पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था। तो ये 61.8% का लेवल 11,561 के पास आ रहा था, एग्जैक्ट उसी लेवल के पास इसने कल रेजिस्टेंस फेस किया। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक स्विंग हाई बना है, ये देखिए ऐसे।
तो अभी जब भी अपसाइड पैटर्न बनता है तो इस तरह से हायर हाइज हायर लोज बनते हैं, ठीक है। और जब भी लोअर पैटर्न बनता है, डाउन ट्रेंड बनता है, तो ये लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं ऐसे, इस तरह से प्रीवियस हाई के नीचे करंट हाई रहता है, और जब अप ट्रेंड रहता है तभी प्रीवियस हाई के ऊपर नेक्स्ट हाई बनता है। तो अगर यहाँ पर ये स्विंग लो को पकड़े, स्विंग हाई को पकड़ ले, तो 20 EMA, कल एग्जैक्ट 20 EMA के पास इसने सपोर्ट भी टेस्ट किया, 11,387 के पास। तो अगर यहाँ से निफ्टी इंडेक्स स्विंग लो बना के फिर से ऊपर जाता है, यानी ये जो अभी 2 बार इसने हर्डल यहाँ पर फेस किया है, ठीक है, तो इसको ब्रेक करता है तभी यहाँ से कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिले ऊपर की तरफ। अदरवाइज अगर ये स्विंग लो को ब्रेक करता है, ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करता है, तो निफ्टी इंडेक्स फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ जो काफी तेजी से गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल अभी 20 EMA जो कि अराउंड 11,387 के पास है, 400 पकड़ लेते हैं। इसके नीचे अगर निफ्टी चला जाता है, क्लोज होता है, तो काफी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी कल देखें तो ये जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया। कल का जो ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था, ये फ्राइडे का जो साइडवेज पैटर्न बन रहा था, इसका ये लोअर बैंड था। अभी जस्ट उसके नीचे देखें तो 100 EMA है, तो इसको कंफर्टेबली ये जो हर्डल्स आ रहे, सपोर्ट्स आ रहे, इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यानी 11,410 के नीचे चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,388, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमारा ये जो लेवल है, यानी ये जो फ्राइडे का एक साइडवेज पैटर्न बन रहा था, इसका अपर लेवल 11,479 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 11,496, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,515, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो फर्स्ट टारगेट तो हमने कहा 11,388 होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,363, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।